आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर एसेसरीज, मतलब उसके साथ क्या क्या चीजों को जो एक्स्ट्रा जो जोड़ा जाता है वो क्या क्या चीजें होती है, एसेसरीज क्या क्या है। तो अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या चाहिए, प्रिंटर। प्रिंटर किस काम आता है, प्रिंटर काम आता है व्हेन वी आर वर्किंग ऑन आवर कंप्यूटर, देन वी वांट टू टेक अ प्रिंट। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर वी कैन प्रिंट, हम अपने कोई भी चीज, हमने जो लिखा हुआ है लेटर है कुछ भी है तो उसका हम अगर प्रिंट लेने जाते हैं तो किसके हेल्प से लेंगे, प्रिंटर से। अगर हम इसकी ऑडियो को सुनना चाहते हैं तो किसकी हेल्प से सुनेंगे, वी कैन हियर द वॉइस विद द हेल्प ऑफ स्पीकर एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब इसका काम क्या है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लैक्चुएट हो रही है तो बीच बीच में कट हो जाता है तो हमारे जो जो कंप्यूटर है वो डैमेज ना हो जाए, उसकी कोई चीज़ खराब ना हो जाए, तो उन चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यूपीएस का यूज करते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई आ रही है उसमें कोई क्या ना हो, फ्लक्चुएशन ना हो, उसको रोकने के लिए हम यूपीएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है गेम कंट्रोलर। अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं तो हमें गेम कंट्रोलर की यूज करना पड़ता है, सारे बटनों को यूज कर, या तो हम कीबोर्ड के द्वारा से कर सकते हैं, लेकिन कुछ गेम कंट्रोलर भी आते हैं अलग से जिनके द्वारा हम उन गेमों को खेल सकते हैं, हम प्ले कर सकते हैं। फिर है सर्च प्रोटेक्टर। सर्च प्रोटेक्टर काम क्या है कि हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स है उनको बचाने के लिए, वो डैमेज ना हो, उसके लिए हम सर्च प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मॉडम। मॉडम का काम क्या होता है, मॉडम का काम होता है एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए। मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर, ये आपने पढ़ा होगा मॉडम, लेकिन मैं दोबारा बताया था मॉडम, एम ओ डी ई एम, एम ओ मतलब मॉड्यूलेटर, डी ई एम मतलब डीमोड्यूलेटर। तो इसका काम इसलिए होता है कि अगर हम कोई इंटरनेट चला रहे हैं नेटवर्क को यूज करने के, एक्सेस करने के लिए मॉडम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर का मतलब तो हमें पता ही है, स्पेसिफिक कंप्यूटर टास्क। एप्लीकेशन का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या रेफर करते हैं, एक प्रोग्राम जो इंटरेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को बाय द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी कैन डू ए स्पेसिफिक टास्क। हम एक अलग तरह के स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमारे जो सिस्टम को यूज करने के काम आते हैं, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम दैट ऑपरेट बिहाइंड स्क्रीन्स टू एंश्योर दैट योर कंप्यूटर सिस्टम इज फंक्शनली प्रॉपरली। जब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के द्वारा हम कोई भी वर्क, जैसे अगर कोई प्रोग्राम वर्क कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो हमारे हार्डवेयर को और यूजर के बीच में क्या कराता है, इंटरफेस कराता है, उन दोनों को जोड़ता है। क्योंकि अगर यूजर काम करेगा किसके ऊपर करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यही हमें इसमें ध्यान रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एंश्योर करते हैं कि हमारा जो वर्क है वो कैसे चल रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, अगर हम उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहा है, जिसके ऊपर वो वर्क कर रहा है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। थैंक यू।